ज्ञान और चारित्र में दृढ़, शंका सहित संक्लेश परिणाम वाले तथा मिथ्यात भाव से संयुक्त दोषपूर्ण चारित्र वाले उन मार्गगामी निदान भावों से युक्त पापों की प्रमुखता से संयुक्त कामनी के विरह से जर्जरित कलहप्रिय पापिष्ठ अविनयी सत्य वचन से रहित जीव भवनवासी देवों में जन्म लेते हैं। तीर्थंकर जिन प्रतिमा एवं आगम ग्रंथादिक के विषय में प्रतिकूल दुर्विनयी तथा प्रलाप करने वाले जीव तिलविष देवों में उत्पन्न होते हैं, जो कषायों से आसक्त हैं, दुष्चरित्र हैं तथा वैर भाव में रुचि रखते हैं, वे असुरों में उत्पन्न होते हैं। इसके अतिरिक्त जो जीव तपश्चरण से पुण्य संचय करते हुए देवायु बांध लेते हैं किंतु बाद में सम्यक्तवादि से च्युत हो जाते हैं, वे जीव भी भवनवासी देवों में जन्म लेते हैं किंतु विशुद्ध सम्यक दृष्टि जीव कदापि इनमें जन्म नहीं लेते। इन सब देवों में पीतलेश्य का जघन्य अंश रहता है। ये जीव जन्म लेकर पश्चाताप करके सम्यक्त को ग्रहण कर सकते हैं। कोई जिन महिमा अर्थात पंच कल्याणक आदि के दर्शन से, कोई देवों की रिद्धि के देखने से, कोई जाति स्मरण और कितने ही देव उत्तम धर्म उपदेश की प्राप्ति से दुरतंत संसार को नष्ट करने वाले सम्यक दर्शन को ग्रहण करते हैं। जय जिनेन्द्र।